मैं जा रही हूँ सबसे ऊपर, तो देखिए यहाँ से ना पूरा गांव दिखता है, पूरा गांव सबसे ऊपर की। तो पूरे गांव में हमारी ही हवेली है, यहाँ पे सिर्फ दो हवेलियाँ, एक तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बट ये ठीक ठाक बनी हुई है, तो इसको रिपेयर करा रहे हैं। एक है ये वाली, इस वाली कमरे में हमारे बाबा पैदा हुए। हाँ, मैंने एक वीडियो में जब मैं पिछली बार आई थी तब भी बताया था, ये ख़राब हो गई है थोड़ी सी, ये सबसे थोड़ी बड़ी सी काफ़ी हो गई है, ये सबसे बड़ी हवेली थी जो कि हमारे बाबा ने बनवाई थी, जो कि गाइस अभी हो गई है रात और हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। बच्चे वैसे रंगोली बनाने कह रहे थे बट टाइम नहीं मिल पाया इन लोगों को, तो बस अब निकल रहे हैं, अब करेंगे पूजा। गाइस ये देखिए हमारे यहाँ की ये बहुएं तैयार होके आ गई हैं, अगली बार से ना मैं भी पहन कर आऊँगी ये सब। देखिए प्रीति है, बहुत बढ़िया लगी, हेलो बोलो, ऐसे बोलो हाय करो। और ये है कृष्णा जी, देवरानी जेठानी बन गई, ब्लॉग में देख लेना, खूब बढ़िया मलुक आ रही है एकदम ऐसी सफेद मुंह। झुमकिन की फोटो ले लो, ओ भैया ये तो झुमकिन सबरी को ही ले ले ले। सबरी को ही ले लियो, वही सेट बढ़िया लग रहा है गले को, कितने को लियो? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हमारे Thank you.
छोटी बना कर ना दे रहा भाई, देखो तो छोटी बनाई है दो तीन है ना। तो गाइस हम गोवर्धन पूजा के बाद फिर से आ गए हैं हवेली में, और हवेली में यहाँ पे लेडीज के साथ सभी आ गई हैं हमारी देवरानी जेठानी। और देखिए यहाँ पे ना लाइट वाइट लगा दी है, और सबका ना थोड़ा गाने वाने गाने का प्रोग्राम है, डांस वांस कर। देखिए भाई साहब और ना लाइट वाइट लगा दिए यहाँ पे, तो वो अभी कह रहे हैं हवेली में यहाँ पे नाच करने का। सीधा खड़ी हो, लाइट वाइट लग रही है। ब्लॉग आज तो प्रीति ब्लॉग की वो है, ये प्रीति प्रीति आ रही है ब्लॉग में।
वहीं से फुलझड़ी चला लो बेटी। कस के मार। तुम चलाना, एक बार तुम चलाना, मारो। ऊपर हाथ पूरा मानी थी। मार भी कर दे। हाँ बस तो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, हमारी परिवार का घर है ये, और यहाँ पे जब भी हम लौटते हैं ना गोवर्धन से वापस, तो यहाँ पे खाना वाना खाते हैं। तो अब खा रहे हैं खाना, बहुत थक गए हैं, दिया फेस देख सकते हैं कैसी शक्ल हो गई। तो बस यहाँ पे खाना खा के अब निकल जाएंगे। तो गाइस खाने में देखिए चूरमा, दाल, ब्रेड पकौड़े, कचौड़ी वगैरह बनाई। तो मैं खाऊंगी ये देसी घी का बनता है ये, रोटी और देसी घी का, यहाँ पे हमारे यहाँ पे हरियाणा में, और इसके साथ दाल। तो इस तरीके से खाया जाता है। तो इस दाल चूरमा के बाद आई है ये रोटी कढ़ी, बहुत सारी चीजें बनाते हैं ये, बहुत सारी चीजें हमारे लिए बच्चों के लिए बनाते हैं, कढ़ी रोटी काट, ऐसे काट। तो गाइस सेवा हो रही है, देखिए मैंने मना करा था अभी रोटी मत लाओ, और ले आए जबरदस्ती ढेर सारा मक्खन कड़ी। हमारा यूपी के दामाद है ये। हाँ अब वही ना बात, तभी इतनी सेवा हो रही है। तो खाना पीना खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं अब फरीदाबाद के लिए। तो अब चलते हैं, आपसे बात करेंगे घर पर पहुंचकर। गाइस ये देखिए माय लोग की हालत, हम लोग घर में घुसे हैं, और देखिए आ जा आ जा आ जा। बहुत हालत खराब होगी इसका, दिन भर बंदर आया अकेला। ये देखो देखो। अकेले परेशान हो जाता है ये बंद बंद।
गाइस आ गए हैं फाइनली गांव से गोवर्धन पूजा करके। और देखिए हालत कैसी हो जाती है गांव से आने के बाद, जाते हैं तो कैसी रहती है और आते हैं तो कैसी हो जाती है। बाकी गाइस हम लोगों ने ना बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा आज, आप लोगों ने वीडियो में देखा। और बच्चों ने तो आज इतने पटाखे चलाए हैं हवेली पे अपनी पे, बहुत पटाखे चलाए हैं, बहुत इंजॉय किया है हम लोगों ने सब ने। और देखिए पूरे एक साल के बाद हम लोग गोवर्धन पूजा के लिए गांव जाते हैं तो काफ़ी इंजॉय करते हैं, खूब बच्चे करते हैं और हम लोग भी, मैं भी करती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल गाँव में सबके साथ। देखिए सब जैसे ही बन जाती हूँ मैं जाके तो अच्छा भी लगता है, गांव की जो हमारी देवरानी जिठानी उनको भी नहीं लगता। तो ज़्यादा शो ऑफ और ये सब मेरे को करना नहीं आता तो मैं ये सब नहीं करती हूँ। तो चलिए आज का ये गोवर्धन ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय एंड सी यू अगेन।